अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल्ला क्लेयर फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, इसमें हम मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस जो उनसे पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में, उस पर बात करेंगे, जैसे कि रियल टाइम सिचुएशन इन पर्थ, अकोमोडेशन, जॉब्स और इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और इसके बाद आपको जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप मजीद कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उस पर नई वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकोमोडेशन पर। तो अकोमोडेशन के बारे में ये सफ़ीर आपको थोड़ा सा बताएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। हाँ जी, अकोमोडेशन का मसला इस वक्त बहुत है पर्थ सिटी, पर्थ में मोस्टली, क्योंकि इस वक्त अकोमोडेशन को जो है नए स्टूडेंट जितने भी आ रहे हैं उनको सबसे जो बड़ा इशू इस वक्त फेस करना पड़े वो अकोमोडेशन का है, क्योंकि इधर इतनी अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। जितने स्टूडेंट को वीज़े ग्रांट हो रहे हैं तो उस लिहाज से अकोमोडेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अकोमोडेशन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी नया स्टूडेंट आता है वो पहले भी ऐसे ही करते हैं और कोशिश करें, क्योंकि अपना दोस्त को, रिलेटिव को इधर इस वक्त जो मौजूद है तो उससे कांटेक्ट करें आने से पहले, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पे आ जाते हैं आपके पास पता नहीं कि आपने किधर जाना, तो फिर आपको वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो अभी मेल कर रही है जो आने वाले स्टूडेंट है कि अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं तो अपना सेमेस्टर जो है पोस्टपोन करें, तो जब आप अगले सेमेस्टर में अगर आपकी अकोमोडेशन का अरेंज होती है तो आप उसमें अपना डेफर करके तो फिर इधर आएँ, क्योंकि इधर आके अकोमोडेशन को फेस, प्रॉब्लम को फेस करना वो ज़्यादा मुश्किल है उसको टैकल करना। तो इसका सोल्यूशन एक ये है कि अगर इधर आके एक दो हफ्ते तक अगर आप किसी के पास रहते हैं, फिर आप प्रॉपर सर्च करें, फाइंड आउट करना शुरू करें, तो फेसबुक मार्केट प्लेस पर वो बाकायदा एड्स देती हैं ओनर जो अकोमोडेशन अवेलेबल होती है, फिर आप उसको प्रॉपर एक प्रोसेस का लीज़ वगैरह का वो एक करवा के आपको अकोमोडेशन मिल सकती है, लेकिन एकदम से या आते वक्त आपको नहीं मिल सकती ना, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, एक दो वीक तक भी लग सकता है। तो वो आप अपने आप को जो है उस लिहाज से तैयार करके आए हैं अकोमोडेशन से। तो जो भी है कि एक आपने पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से कोई ना कोई अपना कॉन्टैक्ट, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड के साथ मतलब कुछ ना कुछ अरेंज करके आए हैं, तो जॉब के बारे में, जॉब सिचुएशन जो है पर्थ में उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और मोहम्मद साद पहले भी आप जानते हो, ओवर रीड्स पे वीडियो बना चुके हैं, तो जॉब का इस तरह का सीन है आजकल, जो लड़के ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंडीड पे या सीक पे, इधर इन प्लेटफॉर्म पे जॉब अप्लाई करते हैं, जो कि एक आई वुड से अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि फिज़िकली आप जहाँ पे जाते हो आप अपनी स्किल्स का बताते हो या अपना एक्सपीरियंस का बताते हो, आपके पास इधर अपॉर्चुनिटी तब ही बनती है। तो इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि आप फिज़िकली जाके अपनी प्रिंटेड रेज्यूमे दो या इस तरह कुछ जॉब अप्लाई करने के लिए दो, या अपना एक्सपीरियंस बताओ या कोई अटैच करो, फिर आपको जॉब मिलेगी। वरना ऊबर रीट्स जो लड़के पहले कर रहे थे उनका भी आजकल साइनअप बंद हो गया है, इस वजह से जॉब्स के रास्ते ख़त्म हो गए हैं। तो मिल जाती है, इधर जॉब का इशू नहीं है, लेकिन आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। जॉब मिल जाती है, लेकिन जॉब ये इस तरह मिलती है कि आपको फिज़िकली आपको लोकेशन पे जाके डिफरेंट जगह पे आप अप्लाई करें, तो फिर ये खाली अगर आप ऑनलाइन ही अप्लाई करी जा रहे हैं तो उसका रिप्लाई बहुत कम आता है, हमने खुद भी ये इशू फेस किया है। अगर आप खुद फिज़िकली साइट के ऊपर जाते हैं किसी भी अपने, यानी कि पहले तो आप आगे कुछ अपने, अगर कंस्ट्रक्शन की जॉब आप करना चाहते हैं तो वाइट कार्ड एक बनवा लें, एक दिन का कोर्स होता है, और बाकी आप रेस्टोरेंट्स पे जाएंगे तो फिर ही आपको मिलेगी, और खाली अप्लाई कर देने से ऑनलाइन से मुश्किल है। और जो ऊबर ईट्स के भी साइन अप बंद हैं, लेकिन मेन्यू लॉग और डोडैश इसके अल्टरनेटिव्स हैं ऊबर के, ये भी फूड डिलीवरी के ऐप्स हैं, इस पर साइनअप्स ओपन हैं, तो इस पर आप जो न्यूज कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, मेन्यू लॉग पे और डोडैश पे फूड डिलीवरी की। तो ये ऊबर के टेम्परेरीली बंद हैं, लेकिन खुल जाएंगे ये भी। एक और मेन चीज़ जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, जिसकी वजह से कई लड़के पाकिस्तानी और इंडियन वापस गए हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा के आना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप ना ऊबर ईट्स कर सकते हो, ना कोई और जॉब कर सकते हो, ना ऊबर एक्स कर सकते हो, तो इसको कंसिडर करना चाहिए, इसके बगैर नहीं आना चाहिए। और अब 1 जुलाई से वर्क रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, और इसमें यह है कि पहले 3 साल तक स्टूडेंट्स के पास फुल वर्किंग राइट्स थे, और अब आप फोर्टनाइटली 48 आवर्स काम कर सकते हैं, और एक वीक में 24 आवर्स। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं TFN पे, तो उसके अलावा 24 आवर्स जो से आप ऊबर ईट्स वगैरह या मेन्यू लॉग वगैरह कर सकते हैं, वो भी ऊबर ईट्स का जो आप काम करते हैं वो भी 24 आवर्स के अंदर काउंट होता है। तो टोटली आप जो काम कर सकते हैं एक वीक के अंदर वो 24 आवर्स ही कर सकते हैं। और दूसरी जो मिसपरसेप्शन जोन सी है वो ये है कि आप 48 आवर्स फोर्टनाइटली काम कर सकते हैं,
तो उसमें अगर आपने एक वीक काम नहीं किया या थोड़ा काम किया तो दूसरे वीक आप टोटली 48 आवर्स पूरे काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। आप जो काम कर सकते हैं वो एक वीक के अंदर 24 आवर्स ही काम कर सकते हैं। अगर दूसरे वीक आपने काम नहीं किया तो वो आप उसमें कैलकुलेट नहीं होगा। तो आप एक वीक में जो है वो काम 24 आवर्स कर सकते हैं।